टीवी 9 भारतवर्ष पर बागेश्वर बाबा का एक चैलेंज जो आया सामने, वो बता दे मुझे, वो आपको बता दूं, आओ मुझे गलत साबित करो बागेश्वर बाबा ने कहा है। उन्होंने कहा है रायपुर में मौजूद हूं, आ जाओ। बागेश्वर बाबा ने चमत्कार के दावों पर चैलेंज स्वीकार किया है। अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, हमारी खबर भेज दीजिए श्रीमान जी, हमारी उन तक खबर भेज दीजिए, कल दरबार और है, खुला चैलेंज है उनको। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर अभी आप बात कर रहे हैं और उन तक ये टीवी नहीं पहुंच रहा है। से प्रार्थना है कि ये मुंहबाजी करने से अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी, देश का मुद्दा खत्म हो जाए। लोग परेशान हैं, टीवी वाले परेशान हैं, डिबेट से हैरान हैं। अभी हम आपको इसलिए साधुवाद कर रहे हैं, तो यहाँ शिकायतें भी हैं और कई तरह की हैं, लेकिन अभी जो मुख्य विषय चल रहा है जिसको लेकर नागपुर में चर्चा हुई और उसको कहा जा रहा है कि चैलेंज में स्वीकार करता हूं, शास्त्री जी आपका ओपिनियन में ले लो। नहीं, देखिए दो सिद्धांत हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। जो आधुनिक सिद्धांत है उसको कहते हैं विज्ञान और जो प्राचीन सिद्धांत है उसको कहते हैं शास्त्र। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ना तो शास्त्र गलत है ना विज्ञान गलत है। जो शास्त्र है वो कहता है कि मंत्र शक्ति, क्योंकि देखिए विज्ञान का विकास हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 वर्ष हुए, लेकिन शास्त्र 5000 पुराना सिद्धांत है और प्राचीन समय में जब विज्ञान नहीं था तो उन सारी समस्याओं का समाधान शास्त्र के द्वारा होता था, जिसमें वेद मंत्र हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, आयुर्वेद है, ये सभी हैं। त्यागी जी सहमत नहीं है आपसे, वो कह रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा वो भी समझ में, लेकिन आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज पूरी कीजिए। सहमत नहीं कि आप कह रहे हैं जो कर रहा है वही सत्य है, एक सेकंड, जो कर रहा है वही सत्य है, आगे बात पूरी कीजिए प्लीज। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तियम योगिनः, विज्ञान और वेद यह जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने का प्रयास कर रहा है और जो शास्त्री जी कर रहे हैं, शास्त्री जी नहीं कर रहे हैं, उनकी गुरु कृपा और उनके इष्ट हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता भगवती जगत जननी जानकी ने हनुमान जी को दिया और हनुमान जी आज भी हैं और उसका प्रमाण है तुलसीदास है, अनेका अनेक सिद्ध संतों ने उनकी अनुकंपा को प्राप्त किया। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास हो गई, कृपा राम के हो गए तुलसीदास। ठीक है, ठीक है, तो यह जो सत्य है इस सत्य को मानना पड़ेगा।